श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन अध्याय 13 भावी मनुओं का वर्णन। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान मनु का नाम श्राद्ध देव है और वो सूर्यलोक के प्रमुख देवता विवखान के पुत्र है। श्राद्ध देव सातवें मनु है। अब मैं उनके पुत्रों को विवरण करता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। हे राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत और नाभाग हैं। सातवां पुत्र दिष्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तरुष और पृष्ठ आते हैं और 10वां पुत्र वसुमान कहलाता है। इस मन्वंतर में हे राजा, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेवा, मरुत दोनों अश्विनी कुमार भाई और ऋभु देवता हैं। इनका प्रमुख राजा इंद्र पुरंदर है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज जिन्हें सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। इस मन्वंतर में भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन नाम से धरती पर आए। उनके पिता कश्यप और माता अदिति थीं। मैंने संक्षेप में आपको 7 मनुओं की स्थिति समझाई है। अब मैं भगवान विष्णु के अवतारों के साथ भविष्य के मनुओं का वर्णन करूंगा। हे राजा, मैं पहले ही 6वें स्कंध में विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों का वर्णन कर चुका हूँ, जिनके नाम संज्ञा और छाया थे। ये दोनों विवस्वान की प्रथम 2 पत्नियां थीं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम वडवा था। उनकी तीनों पत्नियों में से संज्ञा नाम की पत्नी से उन्हें 3 बच्चे हुए, यम, यमी और श्राद्धदेव। अब मैं छाया की संतानों के बारे में बताऊंगा। छाया के एक बेटा था जिसका नाम सावर्णी और एक बेटी थी जिसका नाम तप्ती था, जो बाद में राजा संवरण की पत्नी बनी। छाया का तीसरा बच्चा शनि कहलाता है। वडवा ने 2 बेटों को जन्म दिया जिनके नाम अश्विनी भाई हैं। हे राजन, जब 8वें मनु का समय आएगा तो सावर्णी मनु के रूप में अवतरित होंगे। निर्मोक और विरजस्क उनके पुत्रों में से होंगे। 8वें मन्वंतर में सुत्पा, विरज और अमृत प्रभा देवता होंगे। विरोचन के पुत्र बलि महाराज देवराज इंद्र होंगे। बाली महाराज ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी थी, जिसके कारण वह तीनों लोकों का आधिपत्य खो बैठे। किंतु जब बाद में बलि ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बलि महाराज को जीवन की सिद्धि मिल गई। परम स्नेह के साथ भगवान ने बलि को बांध लिया और फिर उन्हें सुतल राज्य में स्थापित कर दिया, जो स्वर्गलोक से भी अधिक वैभवशाली है। इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं तथा उनका ऐश्वर्य इंद्र की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है। हे राजा, 8वें मन्वंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता व्यासदेव जो नारायण के अवतार हैं सप्तर्षि होंगे। अभी वे सभी अपने अपने आश्रमों में रह रहे हैं। 8वें मन्वंतर में परम शक्तिशाली भगवान सर्वभौम अवतार लेंगे। उनके पिता का नाम देवगुह्य होगा और माता का नाम सरस्वती होगा। वे इंद्र से राज्य छीनकर उसे बलि महाराज को सौंप देंगे। हे राजन, 9वां मनु दक्ष सावर्णी वरुण के पुत्र होंगे। उनके पुत्र भूतकेतु, दीप्तकेतु इत्यादि होंगे। इस 9वें मनु के समय में पार और मरीचि आदि देवता रहेंगे। इंद्रदेव का नाम अद्भुत होगा और द्युतिमान सप्तर्षियों में से एक होंगे। भगवान के अंशावतार ऋषभदेव का जन्म उनके पिता आयुष्मान और उनकी माता अंबुधारा के घर होगा। वे अद्भुत नाम के इंद्र को तीनों लोकों में सुख ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। उपश्लोक का पुत्र ब्रह्मसावर्णी नाम का 10वां मनु होगा। उसके पुत्रों में भूरिषेण भी होगा और हविष्मान आदि ब्राह्मण सप्तर्षि होंगे। हविष्मान, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति आदि 7 ऋषि होंगे। सुवासन गण और विरुधगण देवता होंगे और उन सबका राजा शंभु ही इंद्र होगा। विश्वसृष्टा के घर में भगवान विष्णु के अंश विश्वसेन विशुचि के गर्भ से अवतार लेंगे। वे शंभु से मित्रता स्थापित करेंगे। 11वें मन्वंतर में धर्मसावर्णी मनु होंगे, जो आध्यात्मिक ज्ञान के अत्यधिक जानकार होंगे। उनके 10 पुत्र होंगे, जिनमें से प्रमुख सत्य धर्म होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि इत्यादि देव होंगे।
वैधृत देवताओं के राजा इंद्र होंगे और अरुण इत्यादि 7 ऋषि होंगे। आर्यक के पुत्र धर्मसेतु भगवान के एक अंश के अवतार के रूप में आर्यक की पत्नी वैधिता के गर्भ से जन्म लेंगे और तीनों लोकों पर शासन करेंगे। हे राजन, 12वें मनु का नाम रुद्र सावर्णी होगा। देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ उनके पुत्र होंगे। इस मनु के शासनकाल में इंद्र का नाम रिद्धामा होगा और हरित एवं अन्य देवता भी होंगे। तपोमूर्ति, तपस्वी और आग्निध्रक सप्तर्षि होंगे। सुनृता नाम की माता और सत्यसा नाम के पिता से भगवान का अंशावतार स्वधामा उत्पन्न होगा। वो उस मनवंतर पर शासन करेंगे। 13वें मनु को देव सावर्णी कहा जाएगा और वो आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ही उच्च स्तर पर होंगे। चित्रसेन और विचित्र उनके पुत्र होंगे। 13वें मनवंतर में सुकर्मा और सुत्रामा जैसे देवता होंगे। दिवसपति स्वर्ग के राजा इंद्र होंगे और निर्मोक और तत्वदर्श सप्तर्षि में से होंगे। देवहोत्र का पुत्र, जिसे योगेश्वर के नाम से जाना जाता है, भगवान के अंशावतार के रूप में प्रकट होगा। उसकी माता का नाम बृहती होगा। वह दिवसपति के कल्याण के लिए कार्य करेगा। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसके पुत्रों के नाम उरु, गंभीर तथा बुध होंगे। पवित्र और चाशुष गणों जैसे देवता होंगे और शुचि इंद्र होगा, जो स्वर्ग का राजा होगा। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध, मागद और अन्य महान तपस्वी 7 ऋषि होंगे। हे राजन परीक्षित, 14वें मन्वंतर में भगवान वितना के गर्भ से प्रकट होंगे एवं उनके पिता सत्रायण होंगे। यह अवतार बृहद्भानु के नाम से विख्यात होगा और वे आध्यात्मिक कार्य संपादित करेंगे। हे राजन, मैंने अब तुम्हें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में प्रकट होने वाले 14 मनुओं का वर्णन किया है। इन मनुओं द्वारा शासित समग्र समय 1000 युग चक्रों के बराबर है। इसे कल्प या भगवान ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है।